नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नुसरत और आप देख रहे हैं डेली न्यूज 24x7। हर कदम आपके सामने। समाचारों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दामन के दिलीप नगर गांव में मामूली कहासुनी में हुआ चाकू से हमला। जिला पंचायत अध्यक्ष ने की नवचंडी महायज्ञ में शिरकत। यूके के लेस्टर में श्री दमनिया माछी महाजन द्वारा गरबा महोत्सव का आयोजन। पार्टी के डॉक्टर विजय पंत सिंघानिया स्कूल में हुआ पुस्तक मेले का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। दमन के दिलीप नगर ग्राउंड में मामूली कहासुनी में हुआ चाकू से हमला, घायल शख्स की मौत, आरोपी पुलिस हिरासत में। दमन के दिलीप नगर ग्राउंड में मामूली कहासुनी में एक शख्स ने दूसरे शख्स पर चाकू से हमला कर दिया। इस घायल शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई है। दमन के दिलीप नगर ग्राउंड में इन दिनों नवरात्रि महोत्सव जारी है। इस दौरान अब्दुल मोहम्मद सैयद निवासी वलसाड़ एवं हमीद मोहम्मद सैयद निवासी उदवाड़ा के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसमें हमीद ने अब्दुल के गले पर चाकू से वार कर दिया। घायल को फौरन इलाज हेतु मरवड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान घायल अब्दुल की मौत हो गई है। दमन पुलिस ने धारा 302 के मुताबिक मामला दर्ज कर आरोपी हमीद को हिरासत में ले लिया है। कल रात को दिलीप नगर ग्राउंड पे जो गरबा महोत्सव चल रहा है नवरात्रि के तौर पे, उसमें कुछ लोग ऐसे वहां पर अपने धंधे के लिए आए हुए हैं, स्टोर लगाए हुए हैं। जैसे कि ये जो अभी वारदात हुई, वो अपना बच्चों को खिलाने का सामान वहां पर लगाया हुआ है, बलून वगैरह बेचते हैं। कल रात को ऐसा हुआ कि ये दो बंदे थे जो आपस में अपना अपना शायद दारू वारू पिए हुए थे, और उसमें दोनों की कुछ कहासुनी हुई, और उसी दौरान उसी टाइम पे एक बंदे के हाथ में चाकू था, तो उसके चाकू अपने उस सामने वाले के गले पे लग गया, और वो सामने वाले के गले पे लगने के बाद पुलिस मौके पर तुरंत पहुंची और पुलिस ने उनके सहयोगी के साथ उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में उसको ले जाया, उसके बाद उसकी वहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी दौरान हमने एक दूसरी टीम हमने बनाई और तुरंत ही जिसने चाकू मारा था उसको भी हमने ढूंढने की कोशिश की और पूरी रात में उसको भी ढूंढ दिया है। और इसी के तहत हमने 302 के तहत एक आईपीसी के तहत हमने केस भी दर्ज कर दिया है और एक्यूज को भी हमने पकड़ लिया है। आगे की जांच जारी है। सर, किधर के रहने वाले ये एक्यूज जो पार्टी है वो बलसाड के रहने वाले है और जो मारने वाला है वो उदवाड़ा के रहने वाला है। उसका नाम सर? जो मारने वाला है उस मरनार है, उसका नाम अब्दुल मोहम्मद सैयद है, जो जिसकी एज अबाउट 45-50 ईयर्स है, और जो एक्यूज है जो हमीद मोहम्मद सैयद करके है जो एक्यूज है। सर, ये हुआ किस बात को लेकर? ये हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी काफी कुछ ऐसी चीज बाकी है जो उसको चेक करना है, लेकिन अभी तक तो हमें ये पता चला है कि वो दोनों साइड से शराब के नशे में थे और उसी के दौरान वो कुछ बोलचाल हुई और उसमें ये हादसा हो गया है। दमन के कथीरिया स्थित महायावंशी फलिया में हुआ नवचंडी महायज्ञ, जिला पंचायत अध्यक्ष सुरेश पटेल ने की शिरकत। दमन के कथीरिया स्थित महायावंशी फलिया में नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवचंडी महायज्ञ का आयोजन किया गया। कथीरिया के श्री जयंबे युवक मंडल द्वारा आयोजित इस नवचंडी महायज्ञ में जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुरेश भाई पटेल एवं नगर पालिका के मनोनीत काउंसिलर अश्वी दमनिया ने भी शिरकत की। सुरेश भाई पटेल ने नवचंडी यज्ञ में शिरकत कर प्रदेश की सुख एवं समृद्धि की मंगल कामना की। इस मौके पर महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया, जिसका लाभ बड़ी संख्या में स्थानिक श्रद्धालुओं ने लिया। श्री जयंबे युवक मंडल द्वारा वर्ष दौरान कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। केवल छोटा फल समर्पयामि।
क्रिकेट भाई आज यहाँ पे जो यज्ञ रखा गया उसके बारे में जानकारी दो सर। ये ऐसा है ना कि यहाँ पे हम लोग बहुत साल से यज्ञ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 2-3 साल से कर रहे थे, लेकिन ये माता जी की मेहरबानी है कि इस साल हम लोग ने आज 15 तारीख को रखा है और बहुत मेहमानों को भी बुलाया है, सब आएंगे अभी। और अभी नवचंदा अभी लंच ब्रेक हो गया है महाप्रसाद के लिए, उसके बाद हमारा नवचंडी यज्ञ शुरू होगा। अग्नि तो प्रकट कर दिया हमने और हमारे यहाँ आज जिला पंचायत के नए अध्यक्ष श्री सुखाभाई पटेल और उनकी टीम आई है, तो हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और ये हार्दिक यज्ञ के दौरान सुबह से कम कार्यक्रम रखे गए यज्ञ से पहले सुबह हम लोग ने सब हमारे यहाँ ये जो महाराज लोग है 12 महाराज आए थे सुबह से, तो उनके देवी देवताओं के गणपति बापा बोलो ये अपना बहुत प्रकार के ये थे सब वो करवाए। 12:30 बजे हम लोग को ये अग्नि प्रकट करवाया, उसके बाद हम लोग ने अभी महाराज लोग ने बोला 1-2 बजे तक महाप्रसाद आपका आयोजन करो। आपका नाम? किरीट भाई डमरिया। पाली के डॉक्टर विजय पंत सिंघानिया स्कूल में हुआ दिगुक कार्निवल का शुभारंभ, विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का लगा मेला। पार्डी के डॉक्टर विजय पंत सिंघानिया स्कूल में 15 से 17 अक्टूबर तक दि बुक कार्निवल का आयोजन किया गया है, जिसका आगाज समारोह के साथ किया गया। इस समारोह में छात्रों ने स्वागत गीत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इस पुस्तक मेले में विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, सीडीज, शैक्षिक एवं बिन शैक्षिक पुस्तकें इत्यादि उपलब्ध है, जिसका लाभ स्कूली छात्र एवं आम जनता सभी ले सकेंगे। इस पुस्तक मेले के शुभारंभ के मौके पर पार्टी के धारासभ्य कनुभाई देसाई, श्रीमती सुलोचना देवी सिंघानिया स्कूल की शिक्षा निदेशक रेवती श्रीनिवासन, डॉक्टर विजयपत सिंघानिया स्कूल के प्राचार्य रविंद्र गरेवाल समेत के अन्य उपस्थित रहे। Oh.
ये तो फूल તમે આ બુક કાર્નિવલમાં વિઝિટ કરી છે સર, કેવો રહ્યો એક્સપિરિયન્સ ને શું ઓપિનિયન છે તમારું? સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતમાં અને વલસાડ ખાતે ડોક્ટર વિજયપત સિંગાણીયા સ્કૂલ જે રીતે ટૂંક સમયમાં પ્રોગ્રેસ કરી રહી છે, એ સ્કૂલની અંદર આજે ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામના જન્મદિવસ નિમિત્તે પણ કહી શકાય એ રીતે બુક કાર્નિવલ હતો, અને આ પ્રકારનો જે ફેસ્ટિવલ હોય છે જે રીડિંગ મટીરિયલ, નવી બુક્સ, નવા વિદ્યાર્થીઓ માટે સારું સાહિત્ય પૂરું પાડે છે એવી યોજના જે સ્કૂલના મેનેજમેન્ટે અને પ્રિન્સિપલશ્રીએ કરી છે એને હું અભિનંદન આપું છું, અને દરેક આજુબાજુની સ્કૂલો એનો ફાયદો ઉઠાવશે એવી આશા રાખું છું, અને સ્કૂલને મારી સંપૂર્ણ શુભેચ્છા આપું છું, અને સ્કૂલના ડિરેક્ટર શ્રીમતી શ્રીનિવાસન એમને પણ મુંબઈ ખાતે બેસ્ટ સ્કૂલનો એવોર્ડ મળ્યો છે એમને પણ ખાસ અભિનંદન. સ્કૂલના છોકરાઓને કઈ સંદેશ આપવા માંગશો તમારા તરફથી? સ્કૂલના છોકરાઓને એટલો જ સંદેશો આપીશ કે આ સ્કૂલ એમના માટે એકદમ સારી સગવડો પૂરી પાડશે અને સારું શિક્ષણ આપશે, અને સ્કૂલમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ રાખીને એમનું આખું કેરિયર બનાવે એવી મારી શુભેચ્છા છે. ઓક્ટોબર 15 અમારા બુક કાર્નિવલ કા એક સ્પેશિયલ દિન હે, ઇસલિયે ક્યોંકિ આજ ડોક્ટર અબ્દુલ કલામ જી કા બર્થડે હે ઓર બહોત એનિવર્સરી હે. હમ ચાહતે હૈ કે બચ્ચે ખૂબ પઢે ઓર બુક્સ પઢે જો ટેક્સ્ટ બુક્સ કે અલાવા ઓર એક્સ્ટ્રા નોલેજ કી જો બાત હોતી હૈ ઉસકે લિયે કાફી બુક્સ પઢે. મુજે બહોત ખુશી હૈ કે આજ કનિભાઈ જી યહાં પે આયે હમારે સ્કૂલ મેં ઓર બચ્ચોં સે બાત કી હૈ, ઓર મેરે ખ્યાલ સે યે સ્કૂલ બહોત હી પ્રોગ્રેસિવ હોતા જા રહા હૈ. મુજે મેરે અભિનંદન ઇનકે પ્રિન્સિપલ કો ઓર સારે બચ્ચોં કો જો ઇન્હોને ઇતના બઢિયા. यूके के लेस्टर में श्री दमनिया माछी महाजन द्वारा गरबा महोत्सव का आयोजन. लेस्टर निवासी दमनवासी ले रहे हैं गरबा का आनंद. यूके के लेस्टर में भी श्री दमनिया माछी महाजन द्वारा नवरात्रि महोत्सव का भव्य आयोजन हुआ है. मूल दमन के निवासी और अब लेस्टर में रह रहे माछी समाज के लोग उत्साह के साथ इस गरबा महोत्सव का आनंद ले रहे हैं. लेस्टर में श्री दमड़िया माछी महाजन द्वारा पिछले 20 वर्षों से नवरात्रि महोत्सव के आयोजन के माध्यम से विदेश में भी हिंदू धर्म के त्योहारों की संस्कृति को जीवंत रखा जाता है. श्री दमड़िया माछी महाजन लेस्टर द्वारा लेस्टर में बनाए गए माछी महाजन हॉल में पिछले 6 वर्षों से यह आयोजन भव्य रूप से किया जाता है, जिसका आनंद सभी गरबा प्रेमी लेस्टरवासी उठाते हैं. Thank you.
આજે શ્રી દમણ્ય માછી મહાજન લેસ્ટોર દ્વારા નવરાત્રીનું આયોજન રાખવામાં આવ્યું છે, આ અંતર્ગત તમારે શું કહેવું? અમારે દમણ્યા માછી મહાજન લેસ્ટોરમાં જે ગરબાનું આયોજન થયું છે, બાબતમાં મારે એટલું કહેવું છે કે અહીંયા જે પબ્લિકનો જે મિલાપ છે, લોકોનો જે તાલમેલ છે, એ ખરેખર એ દાદ માંગેલે એવો છે. અને અમે જોયું છે કે પબ્લિકથી ઘણી બાજુ અહીંયા ગરબા જોઈને આવે છે, પણ જે દમણ્યા માછી મહાજન હોલમાં એકવાર આવે છે, એ લોકો ખરેખર ખૂબ આનંદ મેળવે છે. અહીંયા અમે એટલા બધા ખુશ છે કે દમણથી જે પબ્લિક આવ્યા છે, બધાનો જે તાલમેલ છે, એના બદલ અમે લોકો બહુ ધન્યવાદ માનીએ પબ્લિકના બદલ. આ નવરાત્રી અંતર્ગત તમને સિટી કાઉન્સિલર કે લેસ્ટર પોલીસની કઈ સેવા મળે છે? એ લોકો પણ અમે વિઝિટ માટે આવે છે ઘણી વાર, એ લોકો પણ જોઈ ગયા, પણ એ લોકો પણ ઘણા ખુશ થઈ ગયા. આ અંતર્ગત તમારા જે ભાઈઓ બહેનો છે, તમે કોનો આભાર વ્યક્ત કરો છો? અમે બધા પેલા તો અમે લોકો દમણના જે પબ્લિક છે, દરેકના જે સમાજના ભાઈઓ બહેનો છે અને કમિટી સભ્યો મેમ્બરો બધાના અમે ખૂબ ખૂબ આભાર છે. કારણ કે બધાનું ગેધરિંગ એટલું બધું સારું છે, તાલમેલ છે, અહીંયા કોઈ પણ ધમાલ મસ્તી કંઈ પણ થતી હતી, અને બધાને એવું લાગે કે દુર્ગા માતાના દર્શન માટે આવે છે, એટલે બધા એટલા બધા થાલી મળીને જાય છે, અને ગરબાનું આયોજન બહુ સુંદર રીતે ચાલી રહ્યું છે. આ ગરબાનો સમય કેટલા વાગે સુધી કેટલા વાગે સુધી હોય? અમે લોકો ગરબાનો સમય 8 થી 11 વાગ્યા સુધી કમ્પ્લીટલી બને કરી નાખીએ છીએ. આ નવરાત્રી 9 દિવસની અંદર તમે કઈ પ્રાઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન એવું કઈ રાખો છો? અમે નવરાત્રી ઘણા વખતથી ઉજવીએ છીએ, અને દસરા વખતે લોકો દર વખતે કંઈક ને કંઈક પ્રાઇઝ સારા પ્રોગ્રામ હોય એના દર વખતે આપીએ છીએ. આ નવરાત્રીનું આયોજન તમે કેટલા વર્ષથી કરો છો? અમે આ નવરાત્રીનું આયોજન છેલ્લા 20 વર્ષથી અમે કરીએ છીએ અહીંયા, પરંતુ છેલ્લા અમે 6 વર્ષથી જે અમારો પોતાનો જે હોલ માલિકનો અમે લીધો છે, ત્યારથી અમે લોકો 6 વર્ષથી અમે બહુ સારી રીતે અમે નવરાત્રીનો ઉત્સવ ઉજવીએ છીએ. અમે તમારું નામ? અમારું નામ સોમા ગોવન, હું દમણ્ય માછી મહાજન લેસ્ટરનો વાઇસ પ્રેસિડન્ટ છું. આ સાથે હું ડેલી ન્યૂઝનો ઘણો ઘણો આભારી છું, કારણ કે ડેલી ન્યૂઝ દર વખતે અમારે ગણપતિ યા કોઈ પણ પ્રોગ્રામ હોય અમારે ત્યાં, તો અમારો એનો નિકેશભાઈ અમારે ત્યાં ડેલી ન્યૂઝની અંદર દરેક અમારો સારા સારા પ્રોગ્રામ આપતો હોય છે, એ બધા હું ડેલી ન્યૂઝનો ઘણો ઘણો નિકેશભાઈનો પણ ઘણો ઘણો આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. In Leicester, there is a Navratri festival we're doing, so can you say something, few words about the people? Yeah, as Leicestershire Police, we make sure that the community is safe. That's why we have a group of volunteer special constables that are patrolling from the one place of worship to another, and just speak to members of the community and kind of feel the spirit of it. And we're hoping that everyone will be safely celebrating, and then we'll be safe before and after the celebrations as well. Would you like this Navratri festival? Yes, I do, and I've been doing it for 3 years. And if you ask me if I'm going to be here next year, I definitely will. Thank you. What's your name? Isabella Cross. I'm a special sergeant from 8th Police Station. Daman Police ne 2 bike choron ko pakda. Chori ki 3 bike bhi ki barabar. दमन पुलिस ने दुनेठा से एक नाबालिग बाइक चोर को पकड़ा था, जिसके पास से चोरी की 2 बाइकें भी पुलिस ने बरामद की थी। इस आरोपी से पूछताछ में पुलिस ने दिलीप यादव नाम के शख्स को भी हिरासत में लिया है। दिलीप यादव के पास से भी चोरी की 1 बाइक बरामद की गई है। दमन पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। इन आरोपियों की चोरी की अन्य वारदातों में भूमिका की जांच भी पुलिस कर रही है। સર, કોઈ બાઇક ચોરી આરોપી પકડાઈ ગયા? પિછલે દિન નાની દમણ એરિયા મેં હમે કમ્પ્લેન મિલી થી કે 2 થી 3 બાઇક રાત કે ટાઈમ પે ચોરી હો ગઈ થી, તો ઉસી કે તહેત હમને સુપ્રિયર ઓફિસર કે માર્ગદર્શન મેં અલગ અલગ ટીમે બના કે ઇન્ફોર્મેશન નિકાલી, ઓર ઇન્ફોર્મેશન કે તહેત એક બંદે કો હમને પાસ્ટ મેં એરેસ્ટ કિયા થા, જિસકે પાસ સે હમને 2 બાઇક બરામદ કી થી, ઓર ઉસમે વો માઇનર લડકા થા, ઓર દૂસરા ઉસકે ઇન્વેસ્ટિગેશન મેં હમને આયા થા કે એક દિલીપ યાદવ નામ કા લડકા હૈ જો દુનેથા કા રહેને વાલા હૈ, ઓર ઉનકો હમ તલાશ કરતે કરતે હમને યે પકડને મેં સફળતા પાઈ હૈ, ઓર 2 બાઇક ભી રિકવર
हो गए हैं, आगे की कार्यवाही जारी है। इसको कहाँ से पकड़ा है? इसको दुनेटा एक चाल है, वहाँ से हमने पकड़ा है। मेन रहने वाला यूपी से। आगे कोई केस में चोरी में सर? अभी तक तो पता चल रहा है कि तीनों बाइक में शामिल है, लेकिन पीछे का रिकॉर्ड भी हम देखेंगे और उसके उसके स्टेट में भी चेक करेंगे कि वहाँ पर आगे का कोई रिकॉर्ड है। समाचार समाप्त करने से पहले आइए फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दामन के दिलीप नगर ग्राउंड में मामूली कहासुनी में हुआ चाकू से हमला। जिला पंचायत अध्यक्ष ने की नवचंडी महायज्ञ में शिरकत। यूके के लेस्टर में श्री दमनिया माछी महाजन द्वारा गरबा महोत्सव का आयोजन। पार्टी की डॉक्टर विजय पंत सिंघानिया स्कूल में हुआ पुस्तक मेले का शुभारंभ। तो ये थे आपके आसपास के विस्तार के समाचार। अब डेली न्यूज आप मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं, तो डाउनलोड कीजिए डेली न्यूज और देखते रहिए डेली न्यूज 24/7 हर कदम आपके साथ।